हाय व्यूअर्स, आज की वीडियो यामा RX 100 के क्लच को किस तरह से एडजस्ट किया जाए और इसमें कितना प्ले हो और ये कितना लूज और कितना टाइट होना चाहिए, इस सब विषय के ऊपर मैं आपको एक वीडियो समझा रहा हूँ। और इसके लिए मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अभिषेक दास जी, इन्होंने पूछा है कि सर ये लूज़ होने से या टाइट होने से इसका क्या इस पे फ़र्क होता है बाइक पे, या फिर इसको कैसे एडजस्ट करके रखना चाहिए हम लोगों को, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने इनको बोला है ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपकी ये वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश यह करूँगा, मेरी एक पिछली वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, मेरे कारीगर ने कुछ एडजस्टमेंट भी की थी यहाँ से, नीचे से क्लच स्क्रू होता है वहाँ पे सेटिंग की जाती है, वो हमारा टेक्निकल काम नहीं है, वो मैंने उससे क्वेश्चन भी किए थे तो आप उससे सुन सकते हो, मैं उसको लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो जिसे देखनी हो तो वो पूरी देख सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पे बुला के इसकी चेन की और क्लच सेटिंग की सर्विसिंग कराई थी, तो वो वीडियो भी बना रखी है मैंने, आप चाहें तो वो देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बोल दूं, मैंने अपने टेक्नीशियन को आप लोगों की डिमांड की वजह से इसका सिलेंडर अरेंज करने के लिए बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ एक टाइम लगता है, मैं पता करके बता दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं जिनको ये लेना है, यहाँ मैं दो बात कह दूँ, ऑनलाइन पे अगर आपको लेना है तो नया मिलेगा, लेकिन जो आप Y1, G1 ये सारे ढूंढ रहे हैं तो ये आपको अब नहीं मिलेंगे और इसके लिए आपको सेकेंड हैंड ही जाना पड़ेगा लेने। लेकिन इस विषय में मैंने ये भी कह दिया कि कम से कम फ्यूचर में उसमें दो और पिस्टन लग जाने चाहिए, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, क्योंकि दो का मतलब है आपके 30-40 साल अगर ढंग से चलाओगे तो अच्छे सिलेंडर 20-20, 25-25 साल तक चल जाते हैं, अब वो चलाने वाले के ऊपर है। तो उनको मैंने बोल दिया है, तो जिनको भी चाहिए तो वो मेरे को एक बारी रजिस्टर्ड कर दें कि भाई मेरे को लेना है, तो मैं उतने क्वांटिटी के नंबर उनको लिखवा दूंगा कि मुझे जो भी नंबर्स चाहिए। आप लोगों को सिलेंडर अगर मिलेगा तो ऑनलाइन पे जो बिक रहा है वो मिलेगा और अभी कोई नहीं मिलेगा, बाकी ओल्ड वन आपको नहीं मिलने और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आगे बात करता हूँ इस वीडियो के विषय में। देखिए दास जी, होता ये है कि कंपनी ये कहती है कि क्लच जो है एडजस्टमेंट वो राइडर के अकॉर्डिंगली सेट होना चाहिए, वो कोई आपको बाउंड नहीं करके चलती कि किस तरह से आपको सेट करके चलना है। लेकिन यहाँ मैं एक मेज़रमेंट ज़रूर बता देता हूँ आपको, जो कंपनी की बुकलेट में भी लिखा है, और वो कंपनी ये कहती है कि इसका जो प्ले है, प्ले का मेज़रमेंट कहाँ से आप लेते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुतों को नहीं पता। प्ले जो होता है, कई लोग सोचते हैं प्ले ऐसे होता है और ये 2 से 3 होना चाहिए MM, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो प्ले का मेज़रमेंट है वो यहाँ से लिया जाता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बंद और ये आपका प्ले, ये जो एरिया है ये 2 से 3 MM ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्ले में रहना चाहिए, उसके बाद आपके क्लच को काम करना शुरू कर देना चाहिए, ये कंपनी रिकमेंड करती है।
और स्ट्रिक्टली ये भी कहती है कि यहाँ पर सेटिंग के बाद, तो ये आप आपका स्क्रू जो है जो देख रहे हैं, ये नट है, ये आपको टाइट करना है, उसके बाद ये नहीं कि ढीला छोड़ देना है। ये मैं इसलिए खोल नहीं रहा, चढ़ता मुश्किल से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से फिर उसको सेटिंग भी करनी है। प्ले देने के बाद यहाँ से आपको जाम करना है उस वेरिएशन को जो आपने दे रखी है यहाँ पे। और होता ये है कि ज़्यादातर लोग भीड़ भाड़ एरिया में चलाते हैं इसको और ये लूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कारीगर के पास जाना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से अपने खुद एडजस्टर से एडजस्ट कर लो और उसके बाद खुद चला के देखें, नहीं सेट होता तो प्रॉब्लम फिर यहाँ की नहीं है, नीचे से भी हो सकती है, उसके लिए कारीगर के पास जाएं। अदरवाइज़ ये एक जनरल चीज़ है जो आपको खुद आनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ तक कि मैं अपना भी एग्जांपल लेके चलता हूँ, जब भी मेरी बाइक सर्विस होती थी तो मेरे को ट्रायल के लिए भेजा जाता था कि जाओ जाके चला के लाओ और देख लो। तो मैं इसको चेक करके आता था, मुझे जैसे ब्रेक चाहिए, मुझे जैसे क्लच चाहिए, हाथ में बैठा होता है हर एक के, तो उतने एडजस्टमेंट में उसको सेट कराना है। अगर कभी मुझे लगता है भाई टाइट ज़्यादा कर दिया है तो इसको ठीक करो। ये छोटी मोटी आइटम्स बाद में होती थी, और इसी की तरह ज़्यादा अगर इसमें प्ले है तो उसको सेट करो। तो ये लोग तो एक अपने हिसाब से कर लेते हैं, उनको दिन रात का काम है, वो तो एक सेटिंग करके छोड़ देते हैं। देखना आपको है कि आपको सहूलियत कहाँ से हो रही है, आपको बेनिफिट कहाँ से नज़र आ रहा है कि मेरे को अब ठीक तरह से बाइक चलेगी, वहाँ आप एडजस्ट कराइए। आपको यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोग सारे लोग यामा चलाते हैं, मानता हूँ RX 100, लेकिन अगर आपके सामने मैं 10 RX 100 रखूँगा ना, तो हर RX 100 का अपना एक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। आप जब अपनी बाइक चलाते हो तो दूसरी बाइक अनकंफर्टेबल होती है आप लोगों के लिए। क्यों होती है? कि उसकी एडजस्टमेंट आपके अकॉर्डिंगली सेट नहीं है। सबका सेटिंग अलग अलग होता है, चलाने का जो नज़रिया है वो अलग होता है सबका। थोड़ा बहुत बेसिक तो सारा टैली करता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत सबका फर्क रहता है। कोई हल्का ब्रेक टाइट जाता है, कोई हल्का लूज जाता है, कोई हल्का पिकअप में अच्छा मांगता है, वो दूसरे की उस हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई ऐसी होनी चाहिए, वो सोचता है कि मेरी तरह ही होगी। लेकिन यदि जब चलाओगे आप दूसरे की बाइक, तब तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना अंतर है। और इसके अलावा यदि आप और एक चीज़ नोट करें तो इसमें दो बातें आती हैं। अगर आप ज़्यादा क्लच को ढीला करते हैं तो क्या होगा? मैं 1 मिनट का टाइम इसलिए देता हूँ कि आदमी सोचे, खुद भी सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। ज़्यादा क्लच को ढीला करने से होगा ये कि आपकी जो बाइक है वो झटके से बंद हो जाएगी। आप तो चला लोगे, आपने यदि किसी दूसरे को दे दी, उसको तो आदत ही नहीं है, वो तो धीरे धीरे क्लच छोड़ेगा, और जहाँ उसने क्लच छोड़ा वहीं पे वो बाइक बंद, वो फिर किक मारेगा, फिर स्टार्ट करेगा, फिर चलाएगा। और ये स्किप आपसे भी हो सकती है चीज़। तो ढीलाई करने के घाटे ये हैं, आपकी बाइक जो है बंद होगी, और ज़्यादा कम करने से रेस ये झटके खा के धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसके अलावा इसका नुकसान और क्या है कि इसमें इस तरह की अगर आप टेंडेंसी रखते हैं तो इसकी चेन पे झटके पड़ेंगे, और यहाँ से होती है कहानी खराबी होने की चेन की। अगर मैं कोई खड़े हुए व्यक्ति को धक्का देता हूँ या झटके से उसको घेर देता हूँ, तो उसको क्या होगा? मोच आएगी,
और वो कुछ टाइम तक उसको दर्द होगा, दिक्कत रहेगी, धीरे धीरे ठीक होगा। तो सिमिलरली जो चेन सिस्टम है या आपका टायर का बैलेंस है जो आप लोग पीछे से सेट सूट करा के आते हैं, इनमें जब झटके पड़ते हैं तो ये अलाइनमेंट खराब हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, लूज हो जाती हैं, इनका घाटा है ये। आपने पूछा ना इसके घाटे क्या हैं, मैंने घाटे बताना शुरू कर दिए हैं। बीच रास्ते में गाड़ी धोखा देगी, धीरे होने पे बंद हो जाएगी, रेड लाइट आएगी, किक के मारते रहोगे, अगर झटका पड़ गया और बंद हो गई तो क्लच ढीला है। तो ये तो एक पॉइंट बता दिया मैंने कि इसके घाटे क्या हैं। अब आ जाते हैं आप टाइट होने पे। अब ज़्यादा किसी ने टाइट कर दिया, भाई लोग कई टाइट भी करा लेते हैं, अब पता नहीं टाइट में क्या मज़ा आता है उनको। तो टाइट होने से क्या होगा कि आपका जब क्लच है वो जब भी आप दबाएंगे और ज़्यादा प्रेस करेंगे, तो ज़्यादा प्रेस करने के बाद वो इंजन के सर्किट से रिलीज़ होगा और तीसरा चौथा गियर डालेगा, क्योंकि चलती हुई बाइक से ये अपने सिस्टम को अलग कर देता है क्लच लगाते वक्त। कभी भी आपने देखा ना क्लच दबा दिया चलती बाइक में तो इंजन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है ना, रेस नहीं देता, फिर वो बढ़ाता नहीं उसको स्पीड को। तो जब भी आप क्लच को फ्री कर देते हैं तो इंजन से उसका डिसकनेक्शन हो जाता है, और वो कैसे होगा, आपको टाइट होने से ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा लीवर को, उसके बाद होगा। उसके घाटे क्या होने हैं आपको, आपकी क्लच प्लेटें धीरे धीरे फूक जाएंगी, आप करके देख लो, परिणाम खुद पता चल जाएगा। आपने लाइफ के अंदर कितनी क्लच प्लेटें लगाई हैं, ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो आजकल फैशन है क्लच प्लेटें चेंज करने का। मुझे नहीं पता कैसे लोग इतनी जल्दी जल्दी फूंक देते हैं, कईयों को रीज़न नहीं पता कि क्लच प्लेटें क्यों फूंक जाती हैं। सारा उसकी बाइक की हैंडलिंग के ऊपर आता है कि कैसे उसने मेंटेन कर रखी है बाइक। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि कई लोग जब शुरू शुरू में बाइक खरीदते थे ना, या कोई भी टू व्हीलर खरीदते थे या कार खरीदते थे, तो एक बात जरूर कहते थे एक दूसरे को कि भाई सिंगल हैंडल है, कि एक व्यक्ति ने छिड़ी हुई है और चार व्यक्तियों से छिड़ी हुई गाड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, तो पता ही है फिर उसका क्या हाल होगा। तो इतना तो लोग ट्रस्ट करते ही थे कि भाई एक के द्वारा ये छेड़ी गई बाइक है, तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करने वाली बाइक हो जाती थी या कोई भी गाड़ी हो जाती थी, तो इसीलिए लोग ये बात करते थे लेने से पहले। तो अब क्या है कि अब पता नहीं कहाँ से लोगों ने बाइक खरीदी हुई है, किसी के पास पहले से थी तो परिवार में दूसरे को ट्रांसफ़र हो गई, तो किसी के पास खरीदी हुई है अपनी सेकेंड हैंड लेकिन पिछला रिकॉर्ड नहीं पता उसको, तो इस प्रकार से लोगों ने लेके चला रखा है, किसी ने पुरानी गाड़ी को रेस्टोरेशन करा लिया और इस तरह से लोग चला रहे हैं। तो होता ही है कि उनको पता नहीं है, और कुछ नई जनरेशन के लोग भी हैं जो ज़्यादा पूछते रहते हैं क्वेश्चंस कि भाई किस तरह से इसको रख रखाव में अच्छे से रखा जाए। तो कहने का मतलब ये, अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपकी क्लच प्लेटें भी घिसेंगी। आप इसको टाइट क्लच के ऊपर आप इसको गाड़ी को भगा के देखो कितनी दम लगाएगी, जैसे कि मान लो किसी ने ताकत से इसको रोका हुआ है, उसके बाद भागेगी। तो ना तो ज़्यादा टाइट करें ना ज़्यादा लूज करें इसको, एक जनरल सेटिंग के पास रखें जो कंपनी ने रिकमेंड किया है, और अपने ये चीज़ तो बेसिक है, अपने टेक्नीशियन से इसको सेट करा लें, उसके बाद खुद चलाएं। और खुद की आदत उस पे डिपेंड होकर रहनी चाहिए जिस पे कि ये अपने में सेट हो, यानी कि ढीले पे आदत बन गई गंदी या टाइट पे आदत बन गई,
कि टाइट है तो टाइट ही चलाना जानता हूँ जी, मेरे को तो दूसरे का समझ ही नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको बाय डिफॉल्ट जो उसकी सेटिंग है वो करवाओ, फिर उसके ऊपर हाथ पकड़ो और जमाओ अपना हाथ, तो उससे क्या है कि आपको जो रिदम बना रहेगा वो सही के ऊपर बना रहेगा, गलत के ऊपर नहीं। नहीं तो आप क्या करोगे, गलत जिसके ऊपर बन गया वो बार बार क्लच प्लेटें फूकेगा, या गलत ढीला जिसके ऊपर हाथ बैठा हुआ है ढीला करके थोड़ा चलूंगा तो वो बार बार बाइक के इंजन से खिलवाड़ करेगा, बार बार गाड़ी बंद होगी, बार बार चेन में झटके पड़ेंगे। इसलिए सही पे आदत डालो। तो ये सारी बातें एक्सपीरियंस से आती हैं। और जहाँ तक मैंने अपनी बाइक का आपको बताना है, मेरी बाइक के अंदर शुरू में जैपनीज लगी हुई थी, शुरू से ही जैपनीज आई थी, वो लगभग 19-20 साल चली हैं। उसके बाद मैंने, वो मेरे रख रखाव पे ही था शुरू से ही। उसके बाद फिर मैंने, जब मेरी फिटनेस हुई है तो मेरे कारीगर ने बोला था कि भाई जब इतना काम करा रहे हो तो ये भी चेंज करा लो, हालांकि वो चल रही थी, ऐसा नहीं कि वो फूक गई और फेंक दो उसको। मैंने कहा नहीं, कह रहा नहीं 19-20 का फर्क आ जाएगा, अब उसको चला के नया कराओगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है करा लो। तब उसने दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था, ये आपको कौन सी लगवानी है? मैंने कहा कौन सी, यहाँ मतलब क्या है? कह रहे थे कि या तो जैपनीज लगवा लो जो लगी हुई हैं, या फिर यहाँ की भी ब्रांड की आती हैं। तो मैंने मना कर दिया कि यहाँ तक, यहाँ का कोई नहीं लगाना, जो लगी हुई है वो ही लगा दो। तो उस समय 13 और 14 में ये मिल रहा था ओरिजिनल सामान। आज मैं उनसे पूछता हूँ, जो कारीगर मेरा यहाँ पे सर्विस कर रहा था उस समय, तो मैंने उनसे पूछा है एक क्वेश्चन कि इसमें बाइक में कौन सी लगी हुई है, तो उन्होंने यही बोला था जैपनीज लगी हुई हैं। तो मैंने कहा अब आती हैं? तो उन्होंने मना कर दिया कि अब कम आती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने बताया था पीछे पीले रंग का इसका एलिमेंट आता था, एयर एयर एलिमेंट, एयर क्लीनर जो होता है वो आता था पीले रंग का, खरगोश के जैसे खाल होती है उस तरह का आता था, अब नहीं आता, वो 10-10 साल चलता था। अब ये जो आते हैं जो 2-3 साल में फट जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें ओरिजिनल चलती हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोग कितनी जल्दी जल्दी उसका कैसे रख रखाव करते हैं, ये सब चलाने के ऊपर होता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कंपनी रिकमेंड भी है, और मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बता दिया है कि आपको उतना प्ले रखना है और उस प्ले के ऊपर अपनी आदत डालनी है। और ये भी बताया है अलग हटके कि मैं 10 यामा खड़ी कर दूं तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, हर यामा को अलग से चलाओगे आप, आपको पसंद ही नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि भाई ये कैसी बाइक है, मैं वैसी चला रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत इसमें अलग अलग फ़र्क आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, और साथ में जो दास जी हैं जिन्होंने वीडियो बनवाई है उनको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा जो यहाँ से सेटिंग होती है क्लच की, वो आपको अपने कारीगर के पास ही जाके करानी चाहिए, वो उनका फील्ड है। तो उसके लिए सेटिंग जो भी है वो लोग करेंगे, और वहाँ से भी आप अपनी सर्विसिंग के टाइम सेटिंग ज़रूर करवा लीजिए, वो हर बारी सर्विस होती है, हर बारी वहाँ से सेटिंग भी होती है। और लास्ट में आपको मैं ये बोल दूँ कि जब ये लीवर ज़्यादा प्ले खा जाता है, लीवर में प्ले आ जाता है, तो इसको बदलवा लें, ग्रीस वगैरह करवा के इसको बदलवा लें, नहीं तो आपको बाइक चलाने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर 2-2 मिनट में दबाना पड़ता है। दूसरा, अगर अगर आपको तार पे खर्चना नहीं है पैसे, तो इसके अंदर थोड़ा ऑयल करवा लें, स्मूथनेस आ जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। नहीं तो बारिशों में यदि खड़ी है आपकी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बार बार ठीक तरह से नहीं चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो या तो पूरी वायर चेंज करा लो इसकी, और साथ में लगे हाथ इसका लीवर भी चेंज करवा लो। तो उससे ये है कि आपको बिल्कुल स्मूथ इसके क्लच सिस्टम में काम करना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, इसके जो गियर है इसी के साथ कॉम्बिनेशन में है,
इसके गियर सिस्टम में जितने भी यहाँ जॉइंट्स देख रहे हो, इधर इधर इधर, इस सब जगह दो दो बूंद ऑयल टपकवा दो। उसके बाद ना तो गियर में कोई प्रॉब्लम आएगी शिफ्टिंग में, और ना ही आपको क्लच दबाने में। तो इस तरह से आप अपनी बाइक को मेंटेन करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, और किसी को अगर कोई कमेंट करना हो तो बॉक्स में पूछ सकता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।